सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मेरे साथ रहेगी सुनहरी, तुम जैसा आदमी ना तो अपनी बेटी को अच्छा फ्यूचर दे सकता है और न ही अच्छी परवरिश। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन सुनहरी को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। मेरा तो तलाक हो ही चुका है लेकिन सुनहरी को भी तुम भूल जाना हमेशा के लिए। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काना बंद करो। सुनहरी बेटा तुम बताओ किसके साथ रहोगी? पापा के साथ रहोगी ना? बोलो बेटा, बोलो सुनहरी, बोलो किसके साथ रहोगी? बोलो सुनहरी, तुम्हें मम्मी के साथ रहना है। पापा के साथ? मम्मी। पापा के साथ रहना है। मम्मी। छोड़ो ना। ऐसे कैसे छोड़ दूँ? आउच, मत करो ना यार। मम्मी, दरवाजा खोलो। सुनहरी ये तो अगर उसने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शांत रहो। तुम एक काम करो, तुम जाके दरवाजा खोलो हा? और मैं छुपता हूं। क्या हो गया बेटा? मम्मी आपके कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। आवाजें मेरे रूम से? पता नहीं मम्मी, ऐसा लगा कि वो लोगों की आवाजें हैं। सुनहरी तुम्हें जरूर कोई गलत फहम हुई है, बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। वेद बाहर आ जाओ। मैं ऐसे चुप चुप के नहीं मिल सकती हूँ। हमें सुनहरी को सब कुछ बताना पड़ेगा हमारे बारे में। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुमने मेरी वजह से अपने पति को डिवोर्स दिया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। चलो आ जाओ नाश्ता करो, बहुत भूख लगी है। क्या हुआ मॉम, आप नाश्ता नहीं करेंगी? सुनहरी मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मॉम, आप परेशान लग रही हैं। पता नहीं तुम समझोगी कि नहीं। मॉम मैं 18 साल की हो गई हूँ, अभी आप मुझे बच्चा समझोगे? बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है और एक औरत के लिए इतनी बड़ी जिंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल होता। मैं किसी को पसंद करती हूं। मॉम ये तो अच्छी बात है ना, मैं तो चाहती हूं कि आप दोबारा शादी कर लो। थैंक यू सो मच।
मैं तो खामोखा घबरा रही थी। उसका नाम वेद है। तुझे तो पता है कि मैं शादी के नाम से कितना डरती हूँ, लेकिन हाँ, हम 6 महीने साल भर उसके साथ रह के देख लेंगे कि सब कुछ ठीक रहा, उसका बर्ताव तुम्हारे प्रति ठीक रहा, उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मॉम, आप इतना क्यों सोच रहे हो? आपको भी खुश रहने का हक है। पापा ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, पर जो खुशियां आपको उस वक्त नहीं मिल पाई शायद अब मिल जाए। आप जैसा करोगे ना, मैं आपका साथ दूंगी। मतलब वो हमारे साथ रह सकता है ना? यस मॉम। हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब कॉलेज नहीं चलना है क्या? हाँ, लेट हो रहा है। क्या चलते हैं, नाश्ता कौन करेगा? मम्मा लेट हो रहा है बहुत, मैं कॉलेज में कर लूंगी। हाँ बाय। बाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक चल रहा है, अंदर मसाज चल रही है। कौन सा वाला, नॉर्मल वाला या महंगा वाला? कहा यार, अभी तो वो नॉर्मल वाला ही चल रहा है। अच्छा सुनो ना, सुनीली को मैंने तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है और उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आज से तुम मेरे घर मेरे साथ रहोगे। क्या बात है यार। क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? चुप वे गुड्डू। पैसा कब देगा? बोल। आप बंदूक बाहर निकालेंगे तभी तो वो बोलेगा। What a point? सही बोली तू तो। राजा भैया, हम आपको सब चुका देंगे, सिर्फ सिर्फ 1 महीने की मोहलत दो ना हमको। अच्छा ए गुड्डू, गल्ला तो चेक करो बे, देखो तो सही कितना है। जी भैया जी। कितना है? 25,000 है भैया। रख ले, ये तो हुआ ब्याज, और मूल के लिए दिया तुझे 1 महीना, और 1 महीने से 1 दिन भी ज्यादा हुआ। तुम दोनों को मार के तुम्हारी लाश से मुजरा करवाएंगे हम, और जो भी तेरा घर बार होगा ना उस पे हम अपना कब्जा करेंगे, समझे? चलो गुड्डू। वेद, हम 25 लाख कैसे चुकाएंगे? धंधा भी तो एकदम मंदा चल रहा है इन दिनों यार, 2,000 रुपए तो मिलते हैं एक मसाज के। हाँ लेकिन वहीं पर कस्टमर्स की मसाज थोड़ी सी स्पेशल हो जाए तो 20,000 या फिर उससे भी ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन वो सब डिपेंड करता है लड़की ऊपर। लेकिन इन दिनों ना पुलिस ने भी इतनी सख्ती कर रखी है, हर जगह रेड पे रेड, रेड पे रेड, और इसी वजह से हमको ये सब सर्विसेज बंद करके रखनी पड़ रही है। वेद, हमें धंधा शुरू करना होगा, तुम्हें उन सब लड़कियों से बात करनी होगी जो अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार है, तभी तो हम 1 महीने में 25 लाख चुका पाएंगे, वरना हमें घर बेचना पड़ेगा, हम रस्ते पे आ जाएंगे। हाय मॉम। सुनहरी बेटा, ये वेद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ना, आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। ओह हाय। हाय सुनहरी।
मॉम, गुड चॉइस, आई एम हैप्पी फॉर यू. अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बात करते हैं. वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है, मैं चेंज करके आती हूँ. ओके. रिश्तों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है. ये रिश्ते नाते ही होते हैं जो हमारी जिंदगी को संतुलित करके रखते हैं. लेकिन कई बार हमारी जिंदगी में आने वाला तूफान भी आपसी रिश्तों की वजह से ही आता है. नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में. ये कहानी है सुनहरी की, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी माँ को नई जिंदगी देनी चाहिए. लेकिन सुनहरी की जिंदगी में अब कुछ ऐसा होने जा रहा था जो कोई लड़की सपने में भी नहीं सोच सकती. उसकी मां का प्रेमी वेद, उसकी बुरी नजर सुनहरी पर पड़ चुकी थी. वहीं दूसरी तरफ उसकी मां लवली, जो मसाज पार्लर चलाती थी, वो खतरे में था. और कर्ज चुकाने के लिए वो वेद के साथ मिलकर मसाज पार्लर में वेश्यावृत्ति जैसा अनैतिक कार्य करने को भी तैयार हो गई. अब ये सब सुनहरी की जिंदगी को कैसे बदलने वाला था, आइए देखते हैं. अरे क्या कर रही हो, सिर्फ मसाज करने के पैसे नहीं दिए मैंने, पूरे 20,000 भरे. सर आप टेंशन क्यों लेते हैं, पैसे दिए हैं ना तो सर्विस भी पूरी मिलेगी. तो दूना एक हफ्ता हो गया यार, कितने हुए? 2 लाख हुए. एक महीने में 25 लाख इकट्ठे करने हैं यार, कैसे हो पाएगा? कहा था और लड़कियों का इंतजाम करो, बिजनेसमैन, नेता, इन सबको पकड़ो, इनके लिए 5-10 लाख कोई बड़ी बात नहीं होती है. सही बोल रही हो यार तुम, करता हूं मैं कुछ कोशिश करता हूं. हेलो सर, वेलकम टू लवली मसाज पार्लर. क्या लेंगे आप, मतलब कौन सा मसाज? कौन कौन से मसाज हैं आपके पास? हमारे पास फुट मसाज, हेड मसाज, बैक मसाज एंड बॉडी मसाज. वो वाला मसाज है क्या? हाँ. फोटोज दिखाओ. पचास हजार से ऊपर का और कुछ नहीं? सर अभी तो यही है. तुम चलोगी? 1 लाख रुपए दूंगा. सर ये काम नहीं करते हैं, आपको इन्हीं में से सेलेक्ट करना होगा. ठीक, 50,000 वाली भेज दो. ठीक है सर, आप आइए मेरे साथ. आप 3 नंबर कमरे में बैठिए, मैं भेजता हूं. नेहा, यस मैडम, रूम नंबर 3 में चली जाओ. ओके मैडम. हेलो जी राजा भैया. भैया हम कोशिश कर रहे हैं ना, पूरा कोशिश कर रहे हैं. अरे भैया कहाँ जाएंगे भाग के आपसे हम. हाँ हाँ भैया, 1 महीने के अंदर हम कर देंगे, कैसे भी करके कर देंगे आपका. ठीक है भैया. क्या बोला? अरे क्या बोलेगा यार, वही अपने 25 लाख की बात कर रहा था. इसको 1 महीने में पैसा नहीं मिला ना तो पता नहीं
पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। क्वीन भी मेरी और प्रिंसेस भी। मॉम आप? अरे तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? इतनी रात को वेद तुम यहाँ? अरे यार नींद ही नहीं आ रही थी, पानी पीने के लिए उठा तो सुनहरी से मुलाकात हो गई, बातें शुरू हो गई और फिर थोड़ा कैरम खेलना शुरू कर दिया। अच्छा सुनहरी तुम्हें वेद कैसे लगे? वेद जी बहुत ही स्मार्ट है और आपको पता है वेद जी और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई है। और आपको ये भी पता है कैरम में उन्होंने मुझे 2-3 बार हरा दिया। ये वेद जी क्या लगा रखा है? पापा बोला करो। मॉम पहले शादी तो कर लो, पापा भी बोल दूंगी, और वैसे भी इनकी एज थोड़ी ना है पापा बोलने के लिए। अच्छा मुझे नींद आ रही, जल्दी आओ। मम्मी तो नाराज होगी तुम्हारी। हाँ खैर उनका मूड ठीक करना मुझे आता है। अच्छा तुम कुछ मॉडलिंग पिक्चर्स भेजने वाली थी ना मॉडलिंग एजेंसी को, मुझे दिखाओ ना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उनको, मेरे बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं। बढ़िया यार पिक्चर्स तो बढ़िया है तुम्हारी। क्लिक किसने किए? सोनू मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं सिर्फ फ्रेंड ही है। अच्छी बात है। अच्छा तो मैं ना मुझे भेज दो, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है तो चलता हूँ मैं अभी। गुड नाइट। गुड नाइट। वेद ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या मतलब लवली? क्या मतलब? मतलब आधी रात हो चुकी है, तुम सुनहरी के रूम में ये सब क्या? अरे यार तुम कहाँ दिमाग लगा रही हो, बच्ची है वो, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोच के बैठ जाती हो। देखो अगर मेरी उसके साथ ठीक जमेगी ना तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है। मैं तुम्हारे साथ खुश और सुनहरी हम दोनों के साथ खुश। बस इसी सब चक्कर में ना मैं थोड़ी सी ट्यूनिंग जमाने की कोशिश कर रहा था उसके साथ। वो अच्छी बने या ना बने तुम दूर रहो उससे, और ज्यादा ट्यूनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा तुम टेंशन मत लो, दूर रहूंगा उससे मैं। ओके अब तुम ये सब चाहते छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैंने ना कुछ बहुत अच्छी लड़कियां चूज करी अपने पार्लर के लिए, अब तुम देखना कल से हमारा पार्लर क्या चलता है। ये तो अच्छी बात है, बस जल्दी से जल्दी कर्जा उतर जाए सारा। अरे सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बेफिक्र होके सो जाओ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम आज आपने मुझे नाश्ते के लिए नहीं उठाया? मुझे लगा तुझे डिस्टर्ब ना करूं, वैसे भी रात को तू लेट सोई थी ना। हाँ कल बहुत लेट हो गया था, अभी कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है, सोनू भी नहीं आया मुझे लेने आज। तेजी इफ यू डोंट माइंड आप मुझे कॉलेज तक छोड़ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं छोड़ देते हैं बिल्कुल। अच्छा मैं तुमको सीधे पार्लर में मिलता हूँ। ओके चलो बाय। बाय मॉम।
कस्टमर नहीं आया, इसे कैसे चलेगा पार्लर? टेंशन मत लो, बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं निकलने वाला था, कुछ लोगों से सेटिंग लगाई है हाई प्रोफाइल्स कस्टमर तक पहुंचने के लिए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बातें बाद में कर लेंगे यार, सुनो एक आदमी आने वाला है एल्बम लेने के लिए, कोठारी साहब है शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका आदमी है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से डील करना, कोई गड़बड़ी होनी चाहिए। क्या मैडम, वेद सर तो आपको भाव ही नहीं देते, कहीं उनको कोई और तो पसंद नहीं आ गई? शट अप, काम कर अंदर जाके। हेलो सर। हेलो, मेनू कार्ड कहाँ है जी? अरे वो लड़कियों के रेट कार्ड, फोटो के साथ सब डिटेल्स रहते हैं ना। हाँ। जो पसंद आएगी फोन पर उसकी फोटो भेज देंगे, तैयार रखना, कोठारी साहब जी आ जाएंगे। जी। कितनी सुंदर आई है ये। थैंक यू सो मच वेद जी। वेलकम। अब इतनी अच्छी पिक्चर्स थी तो मुझे लगा एक दो तो फ्रेम कराना बनता है। थैंक यू सो मच। वेद, ये सब कुछ क्या हो रहा था? हाँ, कहीं माँ बेटी दोनों को सेट करने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या लवली? हाँ, मैं बस थोड़ा समझा रहा था उसको। ऐसा क्या समझा रहे थे कि वो अंदर चली गई? सुनो, वो मुझे पसंद करने लगी है, मगर घबराने की बात नहीं है, मैंने समझा दिया उसको। अरे बच्ची है वो, ऐसा अट्रैक्शन हो जाता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे, और सुनहरी को हम दोनों को मिलकर संभालना होगा, यू नो। बेटी से सोतन बनना चाहती है? मॉम, आप ये क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल? पागल तो तू मुझे बना रही है। इतनी बड़ी हो गई है तू? हाँ, जिससे मैं प्यार करती हूँ रात रात भर उसे अपने कमरे में बुलाते, आखिर चाहती क्या तू? मॉम आप ये क्या बोल रहे हो? आप मुझ पर शक कर रहे हो, मैं आपकी बेटी हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं तो बस वेद जी के। वेद जी मत बोल, पापा बोल। नहीं निकलता ना तेरे मुंह से। जानती हूँ मैं, पर सुन, मैंने अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल से संभाली है। तेरे बाप ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन मैं तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की आपके साथ आके, बहुत बड़ी। अभी सोचती है मेरे बारे में, इतनी घटिया सोच, मैं आपकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगी मॉम? मैंने आपकी वजह से पापा से एक साल तक बात नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता था कि पापा गलत है और आप सही है। अब समझ में आए, पापा अकेले गलत नहीं हो सकते, सब कुछ आपकी गलती थी, सब कुछ आपने किया है, सब आपने किया है। तू मुझे अब मेरी गलतियां गिनाएगी? कितना कुछ किया है मैंने तेरे लिए। थैंक यू सो मच मॉम। थैंक यू, लेकिन अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं जा रही हूं अपने पापा के पास। आपको शादी करनी है ना, कीजिए, लाइफ एंजॉय करनी है, कीजिए। किसी को फोन नहीं करेगी तू, और यही रहेगी। मॉम प्लीज मेरा फोन दीजिए वापस। मॉम, मॉम फोन दीजिए। Mom! Mom!
क्या हुआ? अपने पापा के पास जाने की बात कर रही है वो। क्या क्या बात कर रही है? हेलो हेलो, जो हमारे कोठारी जी हैं, उनको एक लड़की पसंद आ गई है, 5 लाख देंगे, उस लड़की का फोटो भेज रहा हूँ, सब तैयार रखना। ठीक है। कोठारी जी को कोई लड़की पसंद आ गई है, 5 लाख देने के लिए तैयार है। सही है। सुनहरी की फोटो इसमें कैसे आई? पता नहीं, सोनिया ने गलती से डाल दिया। सोनिया क्यों डालेगी? देखो लवली, हमें ना बहुत शांति से दिमाग से काम लेना होगा। सुनहरी को तुमसे कोई लगाव नहीं है, ये बात अब तक तो तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी। और एक बात और सोचो, वो लड़की जो ये बात अच्छी तरह जानते हुए कि इस बंदे को माँ पसंद करती है, उसी पर डोर डालने की कोशिश कर, लड़की तो खराब ही होगी ना। देखो लवली, सुनहरी वैसे भी अपने पिताजी के पास जाने की धमकी दे रही है, तो आज नहीं तो कल वो जाने वाली है उनके पास। और एक कस्टमर के 5 लाख, ऐसे सिर्फ 5 कस्टमर भी हमें मिल जाते हैं ना, तो हमारा सारा उधार ऐसे चुकता हो जाए। लवली, आई लव यू, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें तुम्हारी बेटी छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं। तुम अगर कुछ भी नहीं करोगी ना, तब भी वो अपने पिताजी के पास जाने वाली है, क्योंकि एहसान फरामोश है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं। तो ऐसे में तुम उसके बारे में सोच सोच के क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? तुम्हें भी सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना मकान, अपना बिजनेस, अपने फ्यूचर के बारे में। हेलो कोठारी साहब, वेलकम सर। हेलो। हेलो, लड़की रेडी? बिल्कुल रेडी है सर। लवली, तुम सुनहरी को लेके आओ। आइए सर। आइए सर। मम्मी, कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो आप? लवली, तुम काउंटर पे जाके बैठो। हाँ, सब ठीक है सर? आपको एमबीएस ठीक लग रहा है सर? कुछ नहीं होगा। पता है, जितना सुंदर तुम्हें फोटो में देखा था ना, रियल में तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। सुनहरी, होश में आओ। तुम्हारे लिए मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं। आओ, आओ, लेटो। कितनी अच्छी हो। छोड़ो मुझे। लेटो सुनहरी, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
आएगी कहां? राजा भैया, अच्छा हुआ मिल गई। सोचा बेटा, वैसे भी तेरा होश में रहना बहुत खतरनाक है हमारे लिए। हेलो सर, सर प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। आपको लड़की पसंद नहीं है ना सर? आप बेफिक्र रहिए सर, हम आपको एक से एक बेहतरीन अच्छी लड़की लाके देंगे। मुझे वही लड़की चाहिए, मुझे मार के भागी थी ना, उसको उसकी औकात बताऊंगा मैं। ठीक है? ठीक है सर, लड़की तैयार है। आप एक काम करिए, आप घर पर ही आ जाइए, सेफ भी रहेगा। मैं आपको एड्रेस SMS करता हूँ। देखो जाके क्या है। आंटी, सुनहरी को कोई उठाकर लेकर गया। मैंने देखा उन लोगों को, आप चलिए ना मेरे साथ प्लीज। क्या पक रहे हो? हाँ, मेरे सामने उसको किडनैप किया किसी ने। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए ना आप। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, सुनहरी अपने रूम में आराम से सो रही है। क्या? हाँ, मुझे देखना है उसे। तुम्हें देखना है? हाँ। चलो आओ। आओ देख ली। देख लिया ना, वैसे भी आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये तो जबरन वेश्यावृत्ति हमारे समाज का एक ऐसा नासूर है जो हमारे देश की न जाने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। लेकिन जब ये काम कोई मां करे तो इस पर यकीन करना आसान नहीं है। लेकिन सच यही है कि लवली ने अपनी प्रेमी के कारण उसका कर्ज उतारने के लिए अपनी ही बेटी को जिस्म फरोशी के धंधे में उतार दिया। उसके लिए वेद का प्रेम खुद की बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, इसलिए वो वेद के जाल में फंसती गई और अपनी बेटी से दूर होती गई। अब इस कलियुगी मां का खेल उसकी बेटी की जिंदगी को किस तरह बर्बाद करने वाला था, और क्या सुनहरी इस आने वाली मुसीबत से बच पाएगी? क्या वो इन दरिंदों के पंजों से कभी बाहर निकल पाएगी? आइए देखते हैं। मुझे मार के भागी थी ना तुम? मुझे मार के भागी थी?
मैं तुझे बताता हूँ। चल, चल। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये ले पूरे 5 लाख रुपए और लड़की को उसकी औकात बता दी। और सुन, कल हमारे चेयरमैन साहब आएंगे, उन्हें भी यही लड़की चाहिए। जी गुडारी जी, हो जाएगा। एकदम रेडी रहनी चाहिए। अच्छा लवली, मैं आता हूँ। हाँ, ये पैसे लेके कहाँ जा रहे हो? अरे भूल गई, राजा भैया को पैसे वापस करने हैं ना। अभी गोली खानी है क्या? अभी कम से कम ये 5 लाख तो देकर आऊं। अरे गुड्डू, ये वेद आया नहीं अभी तक। बस लो, आ गए हैं। राजा भैया। कैसे हैं? बढ़िया, काम हो गया छोटे? हो गया भैया, कोठारी आया था, 5 लाख रुपए देके गया है। वैसे भैया क्या धाकड़ एक्टिंग की है आपने, उधारी किया। अरे हमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो तुमने की है बेटा, माँ बेटी दोनों को फंसा लिया। चलो अच्छा है, आज माँ का ब्रेन वॉश करके बेटी को धंधे पे लगाया है, कल माँ को भी धंधे पे लगा देना। मैं दोनों हाथों से माल आएगा, दोनों हाथों से। सही बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये लीजिए 1 लाख रुपए आपके हिस्से के। कुछ कम नहीं है? बहुत है भैया, और आगे आगे देखिए आप, इतना आएगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। चल कोई बात नहीं, ठीक है। सुनहरी बेटा, सुनहरी बेटा खाना खा ले। अपने बाप का ही खून है ना तुझमें, हाँ? इसलिए तू मेरी कभी हो ही नहीं सकती। तेरे बाप ने भी मुझे धोखा दिया था और तू भी देगी, ये भी जानती हूँ मैं। लेकिन तेरी ये जो नखरे है ना, ये यहाँ नहीं चलेंगे, काट के फेंक दूंगी। मॉम, मॉम प्लीज, मॉम, मॉम, मॉम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज दरवाजा खोलो। आप मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों कर रहे हो? मॉम, मॉम प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो। कोठारी आया था, 5 लाख रुपए देके गया। पैसे भैया क्या धाकड़ एक्टिंग की आपने, उधारी किया, मानना पड़ेगा। वैसे हमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो तुमने की है बेटा, माँ बेटी दोनों को फंसा लिया। अरे लवली, ये 6,000 है, सुधारी के पास लेके जाओ। पेमेंट उन्होंने पूरी एडवांस में कर दी है, तुम लेके जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, इंजेक्शन दिया उसे। ग्रेट, आइए सर चलते हैं। हेलो सर। ओके, शुभ काम में देरी किस बात की? यकीनन। है
आज की रात बहुत ही मजा आने वाला है। तुम बहुत ही खूबसूरत दिखती हो। 1,00,000 बढ़ा के दे दूंगा तुम्हें। कौन सा लेके चलो, लेके आओ। चलिए। क्या कर रहे हैं? पैसा लिया है इन लोगों ने मुझसे। पैसा लिए तो क्या, ये गैर कानूनी है और लड़की के मर्जी के बिना ये रेप केस बनता है, समझे? कांस्टेबल लेके आओ उनको। जी सर, ये सब क्या चल रहा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी। एक मिनट। कोठारी आया था, 5,00,000 रुपए देके गया। पैसे भैया क्या धाकड़ एक्टिंग किया आपने, उधारी किया मानना पड़ेगा। वैसे हमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग तो तुमने की बेटा, माँ बेटी दोनों को फंसा लिया। चलो अच्छा है, आज माँ का ब्रेन वॉश करके बेटी को धंधे पे लगाया है, कल माँ को भी धंधे पे लगा देना। तुमने इतना बड़ा खेल खेला, तुझे क्या बोलूं? गलती तो मेरी है, मुझे तुझ जैसे इंसान से अपने आप को और अपनी बेटी को बचाना था, लेकिन मैं खुद जी, मुझे अपने आप पर आज शर्म आ रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे भी ले चलिए, मैंने ही अपनी बेटी को इस दलदल में धकेला। जितना गुनहगार ये, उससे भी बड़ी गुनहगार मैं हूं। कांस्टेबल, अरे सर, एक मिनट इंस्पेक्टर। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सच्चाई का पता चला। सुनील को उसके पापा के पास ले जाना और अब से तुम इसका ध्यान रखो। ठीक है, आई विल। भरोसा बहुत छोटा शब्द लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। भरोसा आपसी रिश्तों की नींव है। लवली अपनी पहली शादी के असफल होने से टूट चुकी थी और उसके इस अकेलेपन का फायदा उठाया वेद ने, जिसने उसकी कमी को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। वो धीरे धीरे उसे अपनों के ही खिलाफ ले आया और लवली उसके षड्यंत्र का हिस्सा बनती गई। दोस्तों, कई बार आंखों देखा भी सही नहीं होता, क्योंकि अगर लवली के मन में सुनहरी और वेद को लेके शक उत्पन्न नहीं होता तो माँ बेटी के रिश्ते में वो कड़वाहट नहीं आती और सुनहरी को ये सब सहना नहीं पड़ता और लवली को जेल ना जाना पड़ता। लेकिन अंत आते आते जब लवली को सच पता चला, तब तक सब बिखर चुका था। दोस्तों, हर रिश्ते की अपनी अलग अहमियत होती है, अपनी अलग खूबसूरती होती है। अपने सभी रिश्तों को संजो के रखे, किसी एक नए रिश्ते के चलते अपने सगी खूनी रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़ने दें, क्योंकि अपने हैं तभी जीवन है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।